नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार और आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि गाड़ी को चलाते समय जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं तो हमारी जो स्टीयरिंग है वो बाएं दाएं जाने लगती है और हम अपने स्टीयरिंग को सही तरीके से होल्ड नहीं कर पाते हैं और हमारी जो गाड़ी है वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है। बहुत से भाई लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं तो हमें बहुत परेशानी आती है और स्टीयरिंग को हम सही तरीके से नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गाड़ी को ड्राइव करते समय जब भी आप गियर को चेंज करते हैं तो स्टीयरिंग को सही पकड़ने का तरीका क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम गाड़ी के गियर को चेंज करने के लिए अपने बाएँ हाथ को गियर के नोक पर लाते हैं और हमें गाड़ी को बाएँ या दाएँ काटने की ज़रूरत पड़ती है या अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है, तो वैसे स्थिति में अपने लेफ्ट हैंड का हम लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं और स्टीयरिंग को सही तरीके से अपने अकॉर्डिंग मूव नहीं करा पाते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि स्टीयरिंग को होल्ड करने का सही तरीका क्या है। तो आइए दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग में आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा गोल है, सर्किल के आकार में है और इसको आप अगर यदि ये घड़ी मानते हैं तो ये घड़ी के जैसा लग रहा है और ये जो पोजीशन है 9 o'clock का पोजीशन है और ये 3 o'clock का पोजीशन है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये 12 o'clock का पोजीशन है और ये 6 o'clock का पोजीशन है। तो ये 6 बजे का पोजीशन है, ये 12 बजे का पोजीशन है और ये 3 और ये 9 का पोजीशन है। तो गाड़ी के स्टीयरिंग को होल्ड करने का सबसे बेहतर तरीका जो है 9 और 3 का जो पोजीशन है वो बेस्ट होता है, तो वो इस तरह से है। तो आप जब भी गाड़ी को नया नया चलाना सीख रहे हैं तो आप गाड़ी के स्टीयरिंग को इस तरह से होल्ड कीजिए, आपको इससे बेहतर ग्रिप भी मिलेगी और गाड़ी के स्टीयरिंग पर आपका जो है कमांड भी बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा। और दोस्तों आप कभी भी गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ते हैं और आपको गाड़ी को लेफ्ट या राइट मूव कराना है तो कभी भी आप इस तरह से अपने हाथ को ना करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी हाथ जो है वो क्रॉस हो जा रही है और इस तरह से करना गलत है। गलत इसलिए है दोस्तों कि आजकल हमारी गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर यहाँ एयरबैग दिया जाता है। तो एयरबैग अगर यदि किसी कारणों से हमारी गाड़ी जो है कहीं टकरा जाती है और यहाँ से एयरबैग खुलते हैं तो अगर यदि हमारी हाथ इस तरह से क्रॉस है, एयरबैग तो ओपन होगी लेकिन आपको काफी परेशानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कभी भी हाथ को क्रॉस ना करें। तो आप इस तरह से गाड़ी के स्टीयरिंग को होल्ड कीजिए और होल्ड करने के बाद अगर यदि हमको लेफ्ट या राइट गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाना है तो हमें क्या करना होगा और किस तरह से उसको घुमाना है, तो इस तरह से होल्ड कीजिए। और ये जो दाहिना हाथ है, अगर यदि हमें बाईं और स्टीयरिंग को घुमाना है तो इस हाथ से आपको जो है पुश करना है, इधर से पुश करना है और इधर से पुल करना है, तो इधर से धकेलना है, इधर से खींचना है। तो अगर यदि हमें बाएं करनी है तो इधर से जो है धकेलना है और इस तरह से हाथ को लाइए और इस तरह से इस बाएं हाथ से इसको खींचना है, तो इस तरह से होगा। फिर इस हाथ से धकेलना है, फिर इस हाथ से खींचना है, फिर इस हाथ से धकेलना है, फिर इस हाथ से खींचना है। इस तरह से हमारी जो है बाईं और स्टीयरिंग को आसानी से कर सकते हैं। यही चीज अगर यदि हमें दाहिनी ओर करना है तब आपको क्या करना होगा कि इस तरह से आप पकड़े हुए हैं तो इस हाथ से जो है धकेलना है, इस हाथ से खींचना है, इस हाथ से धकेलना है, इस हाथ से खींचना है। लेफ्ट से धकेलिए, राइट से खींचिए, लेफ्ट से धकेलिए, राइट से खींचिए, तो ये सही तरीका है। अब क्या है दोस्तों कि एक और पोजीशन पर हम गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ सकते हैं, वो है 10:10 का, मतलब 10:10। तो इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं लेकिन बेस्ट जो तरीका है वो 3 और 9 का ही बेस्ट तरीका है। अब एक और तरीका है दोस्तों कि 12 के पोजीशन पर भी हमें स्टीयरिंग को पकड़ना है। तो 12 के पोजीशन पर हमें स्टीयरिंग को कब पकड़ना है तो मैं गाड़ी को चलाते हुए दिखाता हूँ कि ये हमें कब जरूरत पड़ती है और ये बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं गाड़ी को चलाकर दिखाता हूँ कि आप गाड़ी को गियर जब चेंज करेंगे, गाड़ी के गियर को जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपको स्टीयरिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है ताकि आपकी गाड़ी बाएं और दाएं ना जाए और किसी तरह का दुर्घटना आपके साथ ना हो। और मैंने एक वीडियो गियर को चेंज कैसे आप इजीली कर पाइएगा और गियर नॉब को बिना देखे आप कैसे कर पाइएगा, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आप गियर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एक डायग्राम दिया हुआ है गियर नॉब पर, तो इस डायग्राम को हमें फॉलो करना है और इसके अनुसार हम गाड़ी के गियर को बदलते हैं तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरी गाड़ी की जो गियर नॉब है वो लेफ्ट से राइट एकदम फ्री प्ले हो रही है, मतलब हमारी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल अवस्था में है। अब जब हमें गाड़ी के जैसे ये डायग्राम के अनुसार आप देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी का जो एक गियर का इंडिकेशन है वो इधर सबसे ऊपर में बाईं साइड है
और फिर ये दूसरी गियर है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है और ये रिवर्स गियर है। तो जब हमारे गाड़ी का जो आइडल पोजीशन होता है गियर नोब का, वो बीच वाला पोजीशन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बीच में है। तो अभी हमारी गियर नोब यहाँ बीच पर है। अब हमें चूंकि एक गियर लगानी है, तो एक गियर लगाने के लिए क्या करना होगा कि हमें इस तरह से गाड़ी के जो गियर नोब है उसको बाईं ओर पुश करना होगा, और पुश करने के बाद आपको क्लच पूरा जो है दबाना है, और क्लच को दबाने के बाद आपको ऊपर की ओर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो हमारी गाड़ी एक गियर पर चली जाएगी। और फिर वहीं से आपको कभी भी इस तरह से गाड़ी के जो है नोब को मत पकड़िए, इसको आप अपने ये जो पाम का जो हिस्सा है उससे आप पकड़िए इसको, और इस तरह से पकड़ करके जब हमें दो गियर पर गाड़ी लानी है तो बाईं ओर पुश करके, चूंकि इसी पोजीशन पर यहाँ जो ये पोजीशन दिख रहा है इस पोजीशन से ही हमें पीछे लाना है, तभी हमारी जो है दो गियर पर गाड़ी जाएगी। तो इस तरह से बाईं ओर पुश करते हुए हम उसको पीछे लाएंगे तो हमारी जो है गाड़ी दूसरे गियर पर आसानी से चली जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग गलती कहाँ पर करते हैं। जैसे अभी हमारी गाड़ी एक गियर पर है, अब हमें दो गियर लगानी है, तो हम लोग सीधा इस तरह से पीछे करते हैं। तब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी गाड़ी की जो आइडल पोजीशन है ये गियर की नोब की, वो बीच पर होती है। तो अभी जैसे एक गियर में है और एक गियर से सीधा हम उसको ऐसे पीछे करते हैं, तो ये हमारी आइडल पोजीशन पर गियर नोब आ जाती है और हम पीछे करते हैं तो हमारी गाड़ी जो है चौथे गियर पर चली जाती है। तो इससे हमें जो है काफ़ी परेशानी हो जाती है और हमारी गाड़ी को पावर मिलना बंद हो जाता है, तो हमारी गाड़ी झटका लेती है और बंद हो जाती है। तो एक गियर से हमें इस पोजीशन पर बाईं ओर रखते हुए उसको पीछे लाना है इस तरह से, और हमें जो है गियर नोब को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जब हमें थर्ड गियर की लगाने की जरूरत पड़ेगी, दूसरे गियर पर हमारी गाड़ी है, थर्ड गियर हमें लगानी है, तो हमें बाएं दाएं कहीं पुश करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया था कि हमारी गाड़ी का जो आइडल पोजीशन है वो बीच पर आ जाता है। तो जैसे ही हमारी गाड़ी दो नंबर पर है, अब इसे हमें जो है गाड़ी को थर्ड गियर पर डालनी है, तो सिंपल से ऐसे इसको हम आगे प्रेस करेंगे तो ये स्वतः थर्ड गियर पर चली जाएगी, और वहां से जब हमें चौथी लगानी है तो इस तरह से करेंगे तो चौथी गियर पर चली जाएगी। लेकिन जब हमें पांचवे गियर लगाने की जरूरत है, तो पांचवा गियर में फिर आपको जैसे एक गियर लगाने के लिए हमें बाएं प्रेस करने की जरूरत थी, इसी तरह से पांचवे गियर जब हमें लगाना है तो इस तरह से आप गियर के नोब को पकड़िए और इस तरह से करके इस पोजीशन पर आपको लानी है गियर के नोब को। इस पोजीशन पर जब आ जाएगी उसके बाद आगे हम प्रेस करेंगे तो हमारी गाड़ी पांचवे गियर पर आसानी से चली जाएगी, और जब हमें ब्रेक गियर लगानी है तो फिर ऐसे प्रेस करके हमें पीछे लगानी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी गाड़ी ब्रेक गियर पर चली गई है। अब हम लोग नए नए जो सीख रहे होते हैं वहां पर हम लोगों को दिक्कत क्या आती है कि हम लोग जब गियर को शिफ्ट करते हैं, गियर को चेंज करते हैं, तब हम अपने जो नजर होती है उसको गियर के नोब पर लाते हैं, तो उस समय हमारी स्टीयरिंग बाएं दाएं जाती है। गियर के नोब पर अपने हाथ को लाते हैं या गियर को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दाएं हाथ का रोल जो है किस प्रकार से स्टीयरिंग को संभालने में काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने अपने स्टीयरिंग को इस प्रकार से पकड़ा है 3 और 9 o'clock के पोजीशन पर, और यही बेस्ट तरीका है स्टीयरिंग को पकड़ने का। अब देखिए, अभी हमारी गाड़ी जो है वो दूसरे गियर पर चल रही है और मुझे गाड़ी के गियर को चेंज करना है, अब मुझे तीसरे गियर पर गाड़ी को ले जानी है। तो यहाँ पर आप दाहिने हाथ से जो दाहिना हाथ है उसको 12 o'clock के पोजीशन पर रखिए, और बाएं हाथ से गियर नोब पर लाते हुए आपके गियर को चेंज करना है। तो आप बाएं पैर से क्लच को प्रेस कीजिए और इस तरह से आप गियर को चेंज कीजिए, और जब आपका गियर शिफ्टिंग का कार्य पूरा हो जाता है तो फिर से आप जो है 3 और 9 o'clock के पोजीशन पर स्टीयरिंग को पकड़िए, ताकि आप अपने गाड़ी के कंट्रोल को भी आप बेहतर तरीके से कर पाइएगा। और देखिए, मैं इस तरह से चला रहा हूँ तो आप भी इस तरह से कीजिए, आपको कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे अभी हमारी गाड़ी तीसरे गियर पर है तो मुझे चौथे गियर पर फिर से गाड़ी को ले जानी है, तो आप फिर से 12 के पोजीशन पर स्टीयरिंग के ऊपर में हाथ दाहिने हाथ को लाइए और फिर से आप जो है बाएं हाथ से गियर को जो है चेंज कीजिए। और ध्यान रखिए कि आप हमेशा जब भी गियर को चेंज कर रहे हैं तो आपके आपकी जो नज़र है वो गियर के नोब पर नहीं आनी चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से बिना गियर नोब को देखे हम गियर को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आप कभी भी जब स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं तो उसको जब भी दोनों हाथों से होल्ड करते हैं तो इस तरह से उसको जोर से आप न पकड़ें, उसको एकदम आप लाइटली पकड़ें। और जब भी आप गाड़ी को लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं, लेफ्ट या राइट टर्न लेने के बाद आप स्टीयरिंग को छोड़ देंगे तो वह ऑटोमेटिक स्वतः
जो आपका पूर्व पोजीशन है वो आपकी स्टेयरिंग सीधी हो जाएगी, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल की जितनी भी गाड़ियां आती है तो वो लगभग पावर स्टेयरिंग के साथ में आती है, तो उसे आपको सीधे करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप लेफ्ट और राइट जो है आसानी से गाड़ी के स्टेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी यहाँ पर तीखा मोड़ है और मैं 12 o'clock के पोजीशन पर पकड़ा हूँ और मैं यहाँ पर गाड़ी के गियर को भी चेंज कर पा रहा हूँ, तो ये मुझे काफी आसानी हो जा रही है। इसको लेफ्ट या राइट हमें गाड़ी को ले जाने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो रहा है। और रही बात जो कन्फ्यूजन आपके पास थी कि गियर को चेंज करते समय हमें परेशानी आती है, तो सबसे आसान तरीका है कि गियर को चेंज करते समय बाएं हाथ को जो है गियर के नोब पर रखिए और आपका दाहिना हाथ का जो पोजीशन है वो 12 o'clock के पोजीशन पर रखिए, तो आप अच्छी तरीके से गाड़ी को चला पाएंगे। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और अगर यदि आप 4-wheeler चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, और अगर यदि आप 2-wheeler चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।